प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो पातू पलना वालू मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के राज्य की परम लाडली अंगना धाम में आपके सुंदर स्वरूप के चरणों में सिजदा प्रणाम। आज सुंदर सात के दिल में धाम धनी ने विचार डाला कि आज सागर ग्रंथ के 15वां प्रकरण श्री मेहर सागर का रसपान किया जाए। मेहर सागर की चर्चा कोई नहीं कर सकता, न सहूर कर सकता है। मेहर सागर के अंदर वो आकर्षण शक्ति है कि उसके सानिध्य में आते ही आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और मात्र उसका रसपान करते हुए झीलती रहती है। न चर्चा न सबूत, मात्र रसपान। सुंदर साथ इसके पहले कि हम सभी सुंदर साथ रस का पान प्रारंभ करें, हमारे सदगुरु सरकार श्री कि छत्र छाया में रतनपुरी से प्रकाशित सेवा पूजा में अर्जी बड़ी लिखी है, उसका पाठ धनी की कृपा से मैं करूंगा और आप सभी से गुजारिश है कि उसके एक एक हर्फ को ध्यान से सुने और उसका मनन करें और उसके स्वरूप को ग्रहण करें। तो अर्जी बड़ी लिखी है, प्रारंभ होता है। सुंदर साथ जी याद कीजिए, श्री जुगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान आपन सब सखियां श्री राज जी के चरणों तले भराए के बैठे, ऊपर नूर को चंद्रमा झलकत करे, फिरते फिरते 64 थंभ नूर के झलकत करे, तहां श्री राज जी के चरणों तले खड़े होए के अरज विनती कीजिए कि साहेब मेरे तुम ही जो करी सो भई और करत हो सो होत है और करोगे सो होएगी। तुम्हारी हमको इश्क पातशाही की खबर ना होती, ना सुख की और ना दुख की, न मिलाप की न जुदागी की। तुम्हारी हमको काहू बात की कछु खबर ना होती, जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया तब हम सबों के दिल में उपज लिया। जब तुम बरजे तब हम फेर फेर मांगे,
ज्यो तुम ज्यादा ज्यादा कह चले त्यों हम ज्यादा ज्यादा बढ़ चले। पहले लई हके दिल में पीछे आई माहे नूर ता पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जहूर। हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म तब हम दिल में उपजिया मांगया खेल कसम। हके आप साचे होने को सब विद कही सुबान आगू से ही कह चले जो कछु होना निदान। कहया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले हम। एहरू हूं तुम बीच नासूत के जाती हो मैं तुम्हारा परवरदिगार तुम हमको कबहू ना भूलियो ये रब्द तीसरी भूम से करके तले की भूम मूल मिलावे मानी आन बिराजे तहा एक चरण चौकी पर लटकत दूसरो चरण सिंहासन के ऊपर आपन सब सखियां श्री राज्य के चरणों तले भराए के बैठी थी जो दाढ़ी की कलियां। तब श्री राज्य ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डाला जो जागृत में ब्रह्मांड देखते थे त्यों स्वप्न में देखने लगे। फिर सखियों पर सुपन स्वरूप हुकम को आवरण डाला 12,000 सखी ब्रज में इकट्ठी आई तहां 11 वर्ष 52 दिन लोग इश्क प्रेम में खेले रास लीला खेल के आए बरारब श्याम तहां 63 वर्ष लो आए थे सूरतें कुरान हदीसों में लिखकर अरबों के हाथ देकर हयातुल नबी ने कूच किया यानी बीच पर्दे के लिए। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब रू अल्लाह चौथे आसमान से उतरे। रू अल्लाह ने 3 दीदार देखे। प्रथम दीदार में बीच राह के पैगंबर साहिब ने नूर को पटुका बंधाया। दूसरे दीदार में अखंड ब्रज देखे श्री कृष्ण पिया संग मिले। तीसरे दीदार में बीच बेजा मुनारे के नूर के काबे में से कलीद कलीज किल्ली दूसरी सूरत को गई। मोहम्मद मिले इसे मिले तब अहमद हुआ श्याम। अहमद मिले मेहदी मिले ये तीनों मिल हुए इमाम। ऐसे सखत बखत में वसीयत नामे चलाए के हमारी मदद कराए। अल्लाह कलाम से साहेदी दई वेद पुराणों से साहेदी दई 4 आसमान की पहचान कराई 5 भांति पैदाइश की पहचान कराई 6 भांति नमाज की पहचान कराई 7 बड़े निशान कयामत के खोल दिए 8 भांति भिस्त की पहचान कराई नाजी फिरका नारी फिरका असराफील जबराइल आम खलक की पहचान कराई। खुदा ताला ने कजा करी मोहम्मद साहेब ने
सिफायत करी, रूहे अर्स की गली गली फिर बली, असराफील ने खुश आवाज सो कुरान को गाया, फरिश्ते काम हाल छोड़ के फिरे, अर्स की किल्ली जाहिर भई, मोमिन सिजदा सिजदा को आवे तो सिजदा करे, काफर मुनाफक सिजदे को आवे तो पीठ उन्हों की सींग सी कड़ी हो गई है, चमड़ी टूटे पर सिजदा उन्हों से ना हो, ताथे दोजक की आंच आई, खबरदार होए कलमा कहो, सातवें दरवाजे की आंच आई, कलमा कहो दिल में देखो, दो तरफों की गीता किताबें खोल दई, तीनों सृष्टि जीव ईश्वरीय ब्रह्म की पहचान कराया, जो बिल्ली अपने बच्चों को लेती है, वाय मुस्क को छोड़ देती है, तैसे ही तुम हमारे लाड़ के पूरन करन आरे मेहरबान, हमारे लाड़ पूरन कीजिए, जिन तुम्हारे चरणामृत प्रसाद को आसरो लिए हो, शब्द वाणी कानों से सुनी हो या जुबान से कही हो, तिनको इन जहर जिमी से छुड़ा के अपनों कदमों तले बैठाए कर साक्षात दीदार दीजिए, इनको नूर से पूर कीजिए, सब मिलके गोदी ओढ़ के यही अरज विनती करत है, श्री जी साहेब जी को प्रणाम, श्री बाई जी साहेब जी को प्रणाम, श्री महाराजा जी को प्रणाम, श्री लाल दास जी को प्रणाम, श्री समस्त सुंदर साथ को प्रणाम, मेहरबान महाराजा जो मोमिनों के वास्ते सब साथ मिलके अरज विनती कीजे, मेहरबान महाराजा जू मोमिनों की बलाएं सब दफे कीजे, इनको नूर से पूर कीजे, यो साथ सबको बीच खिलवत के उठाए खड़े कीजिए, समस्त सुंदर साथ दिल से प्रणाम। श्री महामत कहे मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। हाम धनी श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर अपने आवेश से विराजमान और आवेश स्वरूप के विराजमान होती श्री इंद्रावती जी को महामती का खिताब मिला और उनको ये जिम्मेदारी दी गई धामधनी के द्वारा कि अपनी सभी अंगनाओं को बिला बुला कर महल की छतरी के तले खड़ी कर नूर की बारिश से भिगो दो और उनके दिल के अंदर परम धाम के अनंत नूरी सौंदर्य को पधरा दो। तो श्री महामती जी ब्रह्म सृष्टियों को पुकार पुकार के कहते श्री महामत कहे ऐ मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, आपकी निस्बत है धाम धनी के दिल से और ये निस्बत ही इश्क का सागर है और इस निस्बत के कारण ही धाम धनी
अपने इश्क का खजाना आपके ऊपर नौछावर कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। लो प्याले हक हुक्मे ओ निस्बतियों, लो प्याले हक हुक्मे, अब धाम धनी के दिल से जो हुक्म की लहर, धाम धनी के अपने अपने हुक्म से आठों सागरों का रस आपके वास्ते लाए तो आपका दिल इतना कोमल, फूल का प्याला जैसे गुलाब की पंखड़ियों से एक प्याला तैयार हुआ। हर पंखड़ी कोमलता की पराकाष्ठा है और हर ब्रह्म सृष्टि के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टियां विराजित हैं और हर ब्रह्म सृष्टि श्री श्यामा जी का अंग है। श्री श्यामा जी एक कोमल गुलाब का फूल है और उसकी हर पंखड़ी हम ब्रह्म सृष्टियां हैं। और श्यामा जी के आते ही निस्बत आई और निस्बत आते ही वो गुलाब के फूल की पंखड़ियां अनंत सुगंध धारण किए हुए, धाम की अति कोमलता को धारण किए हुए ऐसा प्याला बन गया कि धाम धनी पैदर पे निरंतर अनवरत ढंग से अपने दिल का रस उबेलते जाते और ये प्याला तो कभी भरता ही नहीं कि छलके, ये बस पीता जाता है, पीता जाता है। धाम धनी पिलाते जाते हैं, पिलाते जाते हैं और ये पीती जाती है, पीती जाती है, पीती जाती है। सुंदर साथ जी, सागर आत्मा मेहर का और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। सुंदर साथ, अब इसमें हम सब मिलकर प्रवेश करेंगे। अभी बड़ी अर्जी आप सबने बड़े प्रेम से श्रवण किया। धाम धनी उसमें बताते हैं कि जब मेहर का दरिया दिल में लिया तो मेहर तो सागर है, ये दरिया कब से हुआ? जब मेहर का दरिया दिल में लिया। सुंदर साथ जी, राजी का दिल मेहर का सागर है जिसके अंदर अनंत रंग अनंत रस से भरे हुए सभी सागर शामिल हैं। लेकिन जब वो सागर रूहों के दिल में प्रवेश करता है तो धाम धनी के दिल में सागर और रूहों का दिल दरिया। सागर का रस बहता हुआ दरिया में आता है और धाम धनी रूहों के दिल में बैठकर फरमाते हैं जब मेहर का दरिया दिल में लिया, यानी रूहों को अपने दिल में लिया, रूहों के दिल में अपने मेहर के सागर को बिठाया, पहुंचाया,
तो जहां से उद्गम होता है वो राज्य का दिल है, और जहां आता है वो दरिया है। राज्य का दिल सागर और रूहों का दिल दरिया, और दोनों के अंदर समानता है क्योंकि मेहर का ही रस है। और सागर जो मेहर का धाम धनी का दिल मेहर है। अब ये मेहर बड़ी अद्भुत है। राजी का दिल नूर है, नूर सागर। राजी के दिल में रूहें विराजती नीर सागर। सबके दिल एक हैं क्योंकि राजी का ही दिल रूपी दरिया विराजमान है, तो क्षीर सागर। और जमाली के गुणों के साथ विराजमान है जो सौंदर्य का सागर है, तो असल सौंदर्य राजी का दिल है। और उसका सौंदर्य इश्क की लहरें है, इश्क का सागर राजी का दिल है। वहीं से इल्म की बूंदे आती तो वो राज्य का दिल है। निस्बत सभी रूहों की, दिल की निस्बत राज्य के दिल से है, इसी को कहते हैं असल निस्बत। तो वो निस्बत का सागर धाम धनी का दिल प्रवेश करता है रूहों के दिल में, और ये सभी सागर का सम्मिलित स्वरूप धाम धनी की मेहर होती है। और मेहर के अंदर अनंत रंग होते। सुंदर साथ आगे की चौपाइयों में आपको वर्णन आएगा। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत उन पर। सुंदर साथ इस वचन का तात्पर्य क्या है जब उस चौपाई में पहुंचेंगे, लेकिन उसका मूल की थोड़ी सी बात करते हैं। मेहर सागर के अंदर इतने रंग हैं कि एक रंग को देखा तो उस रंग के नूर से, उस रंग के अंदर इतने रस का प्रवाह होता है झरने के रूप में कि हमारी तृप्ति ही उससे नहीं हो पाती। जैसे धाम धनी के चरणों के नख का नूर देखें तो मजाल है कि आत्मा के दिल के नैन की नजर उस नख से फना तक पहुंच जाए। जब तक धाम धनी की मेहर न हो, जब तक धाम धनी न चाहे अपने और अंगों को दिखाने के लिए, तो आशिकी के नाम पर गुनाह लग जाएगा। ऐसा आशिक कैसे जो एक अंग से को छोड़कर दूसरे अंग में पहुंच जाए, जो जिस अंग को निहारा वो वही गल जाती है, उसी का स्वरूप हो जाती है, आत्मा ही वो नख का स्वरूप हो जाती है। तो अपने स्वरूप से कैसे बाहर आए, तो वो निकल तभी पाती है जब धाम धनी की मेहर की लहरें उसको खींचती है। अपने अंग अंग का दर्शन कराती है और उस दर्शन में उससे उसको अरस परस कर देती है। तो ऐसा है मेहर का सागर, गिनती में नहीं आ सकता। जैसे हम चर्चनी में बातें करते हैं कि यहां 64 थंब हैं, कमर भर ऊंचा चबूतरा है, ये सबको गिनती में लाकर हमारी बुद्धि में प्रवेश कराने के लिए
लेकिन हर की शोभा अनंत है। उसी तरीके से राज्य के हर अंगों की शोभा गिनती में नहीं आ सकती, और राज्य का दिल तो अनंत ही एक पर्यायवाची है, दूसरा कोई पर्यायवाची है ही नहीं। मैंने उस महर का वर्णन करने का प्रयास किया, ये इंद्रावती जी का दिल कहते हैं। तो इस दुनिया के अनंत मसालों को लेने का प्रयास किया, शब्दों के सागर में मैंने अपने आप को डुबोया कि कोई ऐसा शब्द दे दो जिससे महर का वर्णन हो सके। तो सागर में, शब्दों के सागर में गोते खाती रही इंद्रावती जी, कोई शब्द न मिला, लेकिन एक ऐसा नायाब शब्द मिला महर का वर्णन करने के लिए। उसका वो शब्द है महर। महर की उपमा मात्र महर से दी जा सकती है, दूजा कोई शब्द नहीं। और सागर जो महर का, अब उस महर के सागर का सुंदर साथ अपने दिल में धामधनी की सुरत बसा कर, निस्बत का इश्क लेकर उसका दीदार करें। धाम धनी का दिल अनंत उसका माप है, न लंबाई का पता, न चौड़ाई का पता, न ऊंचाई का पता, न दसों दिश का पता, अनंत दिशाएं होंगी और हर दिशा से उसके अंदर से फव्वारे निकल रहे हैं, और फव्वारों के अंदर मोती है। धाम धनी का दिल हीरा है और हीरे से मोती निकल रहे हैं, और हर मोती का रंग अनंत है। तो अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत, और उसके एक एक रंग को देखने में इल्म से ये आर बल पूरी हो जाए। ये उम्र जो धाम धनी ने बख्शी है वो मात्र एक रंग को देखने में पूरी हो जाए। उस रंगों में सिर्फ झीला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। उसके सौंदर्य को दिल तक नहीं आएगा। जो जागो सो देखियो, मेरी तो निशान भई। महामती जी फरमाती है कि मैं तो अघा रही हूं, तुम जागो तुम भी देखो, लेकिन इसका वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं। ये इश्क के सागर की बात है, जो महर का सागर का ही स्वरूप है। जो जागो सो देखी, मेरी तो निशा भई। जो रूह दिल लग न आवही, तो क्यों सके सुबां कही। सुंदर सा जब धाम धनी के दिल के अंदर, महर के अंदर विराजमान अनंत सागरों की जो फव्वारे निकल रही हैं, उसकी एक एक किरणें मोती की लड़ियां हैं, मानो जिमी से अंबर के बीच में अपनी अनंत सुगंध और शीतलता के साथ फैल गई। और कभी कोई रंग, कभी कोई रंग, कभी कोई रंग, उसको देखते देखते मेरे नैन इतने लालच से भर गए कि नैनों ने उन रंगों को अपने अंदर समा लिया, दिल तक जाने ही नहीं दिया। जो रूह दिल लगना आवही, जो जागो सो देखियो। जब हम देखते हैं जागृत आत्मा से, के नैनों से,
तो वो इतना अद्भुत रंग की का मेला है कि उसका एक रंग अभी देखा तो मेरा नैन इतना लालच से भर गया कि उसने कहा नहीं, अभी मैं इस रंग को अपने अंदर समा के कहीं जाने नहीं दूंगी, इसको अपने नैनों के अंदर भर लेती हूं। दिल तड़प रहा है कि ओ मेरी प्यारी नैनों देखकर हमको भी दे दो, उसने कहा अभी रुको, पहले मुझे तो उसका रस पी लेने दो, जो रूह दिल लगना आवही तो क्यों सके जुबान कही। तो जुबान से उसका वर्णन कैसे होगा, रूहों के नैनों ने उसको थाम लिया और ये थाम धनी की इसको मैं कहते हैं, जो हर अंग को सुख देना चाहते हैं, आत्मा के हर अंग को, उसके नैनों को भी, रसना को भी, श्रवण अंग को भी, उसके त्वचा को अपने हस्त कमल का स्पर्श देकर सुख देते, नासिका को सुगंध का सुख देते, हर अंग को सुख देना चाहते, ये कहलाती है थामधनी की मेहर। यही है मेहर का स्वरूप। और सागर जो मेहर का सो शोभा अतिलेद, उसकी शोभा बयान नहीं हो सकती, उसकी शोभा मात्र आत्माएं अपने दिल के नैन की नजर से, अपने निस्बत के बल से, धाम धनी की मेहर से, मेहर के रंगों को देख सकती है। और जब रंगों को देखती है तो वो रंगों से अरस परस हो जाती है और उसके अंदर अनंत रस भरा है, वो उससे ही नहीं निकल पाती। लहरे आवे मेहर सागर, और थाम धनी के दिल से जिस फव्वारे का वर्णन किया वही तो लहरें हैं। और जब वो मोती की लड़ियां प्रकट होती हैं तो परम धाम के 25 पक्षों का स्वरूप धारण कर लेती, हर आत्मा राज्य के मेहर की किरण की लड़ी है। इसकी जानकारी नहीं है परम धाम। लहरे आमे मेहर सागर, खूबी सुख समय, खूबी यानी अपने गुणों के साथ, मूल गुण मेहर जो अनंत सुखदाई है, तो वो लहरें अनंत सौंदर्य को धारण करके अनंत रूप धारण करती है और सब दिल के अंदर वो मेहर सागर दरिया होए कर विराज जाता है। जब मेहर का दरिया दिल में लिया, जब धाम धनी रूहों के दिल में विराजती, तो रूहों के दिल में वही सागर दरिया क्या होता है और वहां विराज कर उनके दिल में उपजा देते हैं कि खेल माने। अभी विषय वो नहीं है, लेकिन अभी तो बस दीदार करने का अवसर है। दामदनी के दिल से प्रकट होने वाले वो मेहर की लहरें, किरणें, तरंगे अद्भुत रूप से, हीरा से प्रकट होते हुए मोतियों की लड़ी अनंत नूर से भरकर जिमी से आसमान के बीच में नूर से जगमगाती हुई अनंत रूपों को धारण करके शोभायमान
लहरे आवे मेहर सागर, खूबी सुख समय और हर आकार के अंदर मेहर का गुण हो, जमाली का गुण हो, हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर को अम, इश्क आवे मेहर से बेसक इलम दिन सन। पहली ही चौपाई में वर्णन होता है कि सभी इश्क के इल्म के वहदत के सागर, सातों सागर, आठवें सागर, सातों सागर जब मिल जाते हैं तो वो आठवें सागर का स्वरूप हो जाता है। आठवें सागर का कोई अलहदा स्वरूप नहीं है, वो सातों सागर जब अरस परस होए के एक हो जाते हैं तो अनंत रंगों वाले, अनंत रस वाले उन सभी सागरों का स्वरूप एक हो जाता है, जो मेहर का सागर होता है और उसकी हर लहर मेहर के रंग में, मेहर का रस है। तो वो मेहर राज्य का दिल और हुक्म का मूल है राज्य का दिल। जो भी धाम धनी दिल में लाड़ लेते, वो लाड़ जब प्रकट होता है तो हुक्म का स्वरूप धारण कर लेता है। धाम धनी के दिल की इच्छा ही इच्छा उपजती है लाड़ के अंकुर से। धाम धनी के दिल में एक ही बात है, वो है लाल, और वही मूल अंकुर है, वही निस्बत का असल स्वरूप है और वही अनंत सागरों का स्वरूप परम धाम में धारण करता है। इसलिए परम धाम की हर लड़ी, हर आकार की निस्बत है धाम धनी के दिल से। आप विचारो सुंदर साथ, जिस दिल से इतनी लहरें मोतियों की लड़ी होए के नूर को धारण किए हुए, अनंत सागरों को धारण किए हुए जब जगमगाती हुई प्रकट होती, तो उन लड़ियों की निस्बत है किससे, जहां से उनका उद्गम होता है। तो हर धाम के आकार की निस्बत राज्य के दिल से है, जो मेहर का स्वरूप है। तो हुक्म मेहर के हाथ में, तो राज्य के दिल में जो मूल है हुक्म का, वो हुक्म राज्य के हाथ में, और वो चौपाई आपने सुन रखी है, जाको धनिये पकड़े हाथ। ब्रह्म सृष्टियों के हाथ धाम धनी के हाथ में है और धाम धनी के हाथ में हुकुम मेहर के हाथ में। धाम धनी का स्वरूप ही मेहर का है, उनका तन भी मेहर का है, दिल भी मेहर का है और हुक्म उनके हाथ में, हाथ भी मेहर का है। और इस हाथ को जब धाम धनी ने पकड़ा तो मेहर का रस बहता चला आता है और धाम धनी के हुक्म की शक्ति रूहों के दिल में प्रवेश कर जाती है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। दो प्रकार का जोश है, इश्क का जोश और जबराइल जोश धनी का, जो खेल के जोश में लीला करता है। तो जोश मेहर के अंग, तो जो इश्क का जोश है वो धाम धनी के दिल का अंग है।
क्योंकि वो इश्क है और वो इश्क का जोश निस्बतियों में समाया रहता है। सुकन मेरा माने नहीं सबे भरे इश्क के जोश, नाचे गावे कूदई कहा करे हमें फरामोश, ऐसा इश्क का पल वो जोश। और जोश के अंग होते हैं उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता। रूहें हमेशा उमंगित रहती है, उल्लास से भरी होती है, उनका दिल हमेशा उल्लसित रहता है, उल्लास से भरा, प्रसन्न, प्रफुल्लता। क्यों? क्योंकि धाम धनी ने अपने मेहर को उनके दिल रूपी दरिया में भर दिया। इश्क आवे मेहर से अब जब धाम धनी का दिल ही आ गया तो मेहर का ही तो अंग है इश्क। और रूहों का कौन सा स्वरूप? रूहों तो मेरे तन, धाम धनी का तन नूरी है और नूर क्या है? इश्क से लबालब भरा। तो जुगल स्वरूप का जो हकीकत स्वरूप देखते हैं हम श्री मूल मिलावे में विराजमान कंचन रंग के सिंहासन, वो नूरमयी इश्क का स्वरूप है। विचारना संतर साथ उनके तन नूरमयी इश्क के, और रूहों तुम मेरे तन, उसी तन का शोभा मिली है रूहों के तन, तो वो भी नूरमयी इश्क के तन। तो इश्क कहीं बाहर से नहीं आता, उनका तन ही इश्क का है। और दिल मेहर से भरा हुआ तो उसके अंदर इश्क ही इश्क है, और यही निस्बत का असल गुण है, ये निस्बत इश्क सागर। इश्क आवे मेहर से बेसक इलम तिनसंग, और धाम में जो रब्द था उससे बेशक कर दिया धाम धनी के इल्म ने। अपने दिल के हकीकत और मार्फत के दरवाजे को मूल अद्वैत ही मेहर का स्वरूप है, और जितने अद्वैत स्वरूप धाम के हम उनसे अरस परस होते हैं वो दरिया है। मूल अद्वैत मेहर का सागर है और अद्वैत मेहर का दरिया है। तो बेसक इलम दिन संग अब हम रूहों को धाम में अच्छी तरह पता लग जाएगा कि अद्वैत और मूल अद्वैत में निस्बत क्या है, मेहर क्या है। कैसे पता लगेगा? जो धाम धनी ने इतनी बड़ी हिकमत और करिश्मा किया कि बिना जुदाएगी दिए इस ब्रह्मांड में अपने हुक्म के द्वारा अपने पर आत्म के तन और श्यामा जी हुक्म लिया रू अल्लाह का भेज इस ब्रह्मांड में आए। और क्योंकि ये तीनों एक स्वरूप हैं, राजी श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म वो कभी जुदा नहीं हो सकते। तो जहां श्यामा जी पधारेंगे वहां रूहें तो खुद ब खुद होंगी, और जहां श्यामा जी और रूहें होंगी वहां धाम धनी के चरण कमल होंगे ही होंगे।
उस दिल के अंदर धाम धनी जागृत होते हैं और श्यामा जी अरुणे करती है। जब धाम धनी अपने मुखारविंद से अपने दिल की लहर निकाल कर उस इल्म को सुनाएंगे और हमारी आत्मा जागृत होगी, और जब आत्मा जागृत होती है तो यहां की बेशकी तो छोटी सी चीज है, जिस शक की वजह से यहां आना हुआ वो शक दूर हो गया, वो बेशक हो गए। धाम में पर आत्म बेशक हो जाएगी इस आत्मा के कारण। और इस आत्मा कैसे बेशक हुई, धाम धनी ने स्वयं आकर अपने इल्म से उनको बेशक कर दिया, माया से जुदा कर दिया, माया और ब्रह्म का निवेरा, उनको उनका मूल स्वरूप दिखाकर उसमें विराज दिया। इश्क आवे मेहर से बेशक इल्म तिन संग, ये बेशक इल्म रूहों के वास्ते तो हमेशा उनके साथ ही रहता है। और वो कहां बसता है, राज्य के दिल में। तो जहां रूहें होती वहां श्यामा जी हैं, जहां श्यामा जी हैं वहां रूहें। हादी नूर अंग हक, रूहें हादी नूर अंग, ये तीनों एक नूर स्वरूप हैं, एक इश्क स्वरूप हैं, एक महर स्वरूप हैं, ये जुदा नहीं किए जा सकते। पूरी महर जित हक की, तित और कहा जाए, हक महर तित होता है, जित असल है निस्बत। असल निस्बत और निस्बत का भेद यही है कि एक निस्बत तन की होती है और एक निस्बत दिल की होती है। इस संसार में जितने निस्बत आप देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, वो सारे तन के रिश्ते होते हैं, दिल के नहीं। वो तो कहने को हो जाता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा दिल आपके दिल में रहता है, ये मात्र कथन है, सत्य नहीं है, क्योंकि हर जीव का मूल अलग है, संस्कार अलग है, गुण अलग है, तो दिल अलग होगा ही होगा। हाँ, तन से रिश्ते बंध जाते हैं, मां बाप पुत्र पुत्री नाते संबंध, जिसको कहा जाता है रक्त का रिश्ता, ये सारा तन का रिश्ता है दिल का। परम धाम में रूहों का तन से भी रिश्ता है और दिल से भी रिश्ता है। तन भी एक, दिल भी एक, उसको कहते हैं निस्बत की मार्फत असल निस्बत। धाम धनी एक चौपाई में कहते हैं, निस्बत खिलवत वाहिद जेती अर्स हकीकत, यानी ये जितने अर्श की हकीकत में है, जहां तन लीला करते हैं, हमें पता नहीं था कि वो एक ही तन है। चलो वो तो इल्म से धाम धनी ने बता दिया, अब हम जब जगेंगे तो हकीकत निस्बत के हकीकत स्वरूप को पहचानेंगे, और निस्बत का मार्फत स्वरूप दिल की निस्बत। तो तन की निस्बत निस्बत और दिल की निस्बत असल निस्बत। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहा चाहिए, हक मेहर तित होता है, जित असल है निस्बत। जहां ये मेहर कहां बसती,
रूहों के दिल में, दरियाओं के रूटों में, वहां जहां धाम धनी स्वयं विराजते हैं, तो धाम धनी का दिल सागर, महर का सागर, और रूहों का दिल उसी महर का दरिया। रूहों के दिल में है तो वो महर की हकीकत है, और राजी के दिल में ये महर की मारिफत है। सुंदर साथ आज हमने देखा निस्बत की हकीकत और निस्बत की मारिफत, और महर की हकीकत और महर की मारिफत, और राजी की महर वही होती है जहां ब्रह्म सृष्टियां हैं। मेहर होत अव्वल से, इतही होत हुकम, जलूस साथ सब तिनके, कछु कमी न करत खसम। मेहर होत अव्वल से, अव्वल माने शाश्वत, कदीमी, अनादि, तो धाम धनी का दिल अनादि, उनका स्वरूप अनादि, उनके स्वरूप की लहरें रूहें अनादि, लीला अनादि, तो महर होत अव्वल से, इतही होत हुकम। अब परम धाम के अंदर जब महर का दरिया दिल में लिया, तो उपजाया हमारे दिलों में, हके किया हुकम वतन में, सो उपजत अंग असन, जैसा देखत सुपन में, फरामोशी की हालत, जैसा देखत सुपन में तैसा बरतत इतनी नकल। कहे लदुन्नी भूम तले की, हक बैठे खेला, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुकम कर। तो उस अव्वल मूल अद्वैत दिल में धाम धनी अपनी मेहर का रस पिरोए कर, उस हुक्म की लहर को जब इस ब्रह्मांड में लाते हैं, रूहों के स्वरूप को लेकर, आत्मा का स्वरूप धारण, तो यहां पर वो हुक्म की लीला परम धाम में नूरमयी इश्क मेहर से भरी हुई लीला है, और इस ब्रह्मांड में उसी दिल की, उसी मेहर से प्रकट हुई हुक्म की लीला है। जलूस साथ सब तिनके, जलूस यानी सातों सागर के रंग, अनंत निधियां, अनंत संपदाएं, अनंत न्यामतों को लेकर ये हुक्म धाम धनी के आवेश स्वरूप के दिल में विराजते हैं। जलूस साथ सब तिनके, कछु कमी न करत खसम। हमारे धाम के धनी अक्षरातीत का मूल स्वरूप अपनी रूहों को लाड़ पिलाने में कोई कमी नहीं रखते, तो हुक्म के साथ हुक्म के वृक्ष में लगे हुए नूर, नीर, क्षीर, दधि, कृत, मधु, रस, और वो वृक्ष मेहर का होता है जिससे ये सातों सागर लगे हुए, और उन सबको अपने आवेश स्वरूप से प्रकट कर दिया। और यहां पर आत्माएं जब उस स्वरूप पर फना होती हैं, कुर्बान होती हैं, ईमान ले आती है, पूर्ण श्रद्धा विश्वास सेवा समर्पण करती है, तो इसी तन में धाम धनी अपने आवेश स्वरूप का दीदार देते। सुंदर साथ कैसे दीदार देते हैं आवेश स्वरूप, कैसे कैसे गुणों का
प्रकटीकरण करता है और कल उन्हीं की आदेश से, उन्हीं धाम धनी प्राण प्रीतम की कृपा से, मैं इसी में